हेलो फ्रेंड्स, विजयास क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे इस कॉक्सकॉम यानी कि सेलोसिया की केयर टिप्स के बारे में, और साथ में कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो कि सेलोसिया के साथ लगी रहती हैं, और इन प्रॉब्लम्स पर ध्यान नहीं दिया तो प्लांट जो है ये मर भी जाता है। वैसे तो ये सेलोसिया जो है ये बहुत ही ईजी ग्रोइंग प्लांट है, जिसकी केयर टिप्स के बारे में अगर हम लोग कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो ये प्लांट जो है हमेशा आपके यहाँ पर बना रहेगा। आप बस इसको सीड से एक बार ग्रो कर सकते हो, तो आपके पास जिस कलर के लगाओगे हमेशा रहेगा, और सीड से नहीं ग्रो कर पाते हैं तो आप जो है इसको नर्सरी से ला कर के मनपसंद वैरायटी का अपने यहाँ पर लगा दीजिए। ये वाला प्लांट मेरे लास्ट ईयर का है, लास्ट विंटर में मैंने इसको सीड से ग्रो किया था, तब से जो है लगातार ये जर्मिनेट हो जा रहे हैं सीड। ये देखिए छोटे छोटे से इसमें कितने सारे दिख रहे हैं। हमेशा इसके नए नए प्लांट्स बनते रहते हैं और पुराने जो हैं वो हम हटाते रहते हैं इनके प्लांट्स को। दोस्तों, ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो मैरून और ये जो ऑरेंज सा तो है ही, इसके अलावा येलो कलर है, गोल्डन सा भी कलर आता है, रेड आता है। सभी कलर जो होते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं। जब भी सेलोसिया को लगाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, इसकी सॉइल जो बनाएं ये बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल बनाएं। वेल ड्रेन सॉइल का मतलब है कि आप जो है बालू, गार्डन सॉइल और गोबर खाद तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके लगाएं। ये देखिए इसमें ये बोन मील हमने डाल रखी थी, यहीं किनारे ही रह गई, इसको मिक्स नहीं हो पाई है। तो इसका अगर वेल ड्रेन सॉइल रहेगी तो ये प्लांट काफ़ी अच्छे से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसकी। और वेल ड्रेन नहीं रही तो प्लांट आपका कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसमें हम आपको दिखाते हैं ये जो बड़ा वाला प्लांट है, इसमें सीड्स काफ़ी बन रही हैं। तो आप जो देखना इस तरीके की सीड आप निकाल निकाल करके अपने गमले में डालते रहिए, खूब सारा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल में अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, ताकि हम जो है गार्डनिंग संबंधित आपको नई नई जानकारी देते रहें और नए नए तरह के प्लांटर्स का DIY भी बनाते रहें। फ्रेंड्स, चलिए आपको हम इसके सीड्स दिखाते हैं। ये देखिए प्लांट, ये वाला प्लांट मेरा ख़त्म हो रहा था, इसको मैं हटाने वाली थी, फिर मेरे एक व्यूअर फ्रेंड जो है उनका कमेंट आया कि इसके बारे में बताया जाए उनको। तो ये देखिए इसके जो काले काले सीड्स हैं, इसको आप जो सूख रहा है उसको ऐसे आप हल्के से मसल लीजिए हाथ में। ये देखिए कितने सारे सीड इसके आ जाते हैं, इस तरीके से करिए ढेर सीड हो जाते हैं ये। इन सीडों को आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है लगाने में, बस इनको जिस भी गमले में है उसमें ऐसे ही डाल दीजिए, आप सब जर्मिनेट हो जाते हैं। और इसमें ज़रूरत से ज़्यादा सेलोसिया में पानी कभी मत डालिएगा, और सीड में भी बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है तो जर्मिनेट नहीं होते हैं, बस मिट्टी जो है हल्की सी मॉइस्ट रहनी चाहिए। अगर आप सीड से इसको लगाओगे तो ये ध्यान रखिएगा कि 2 महीने के बाद जो है ये फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, ये मत सोचिएगा बहुत जल्दी होती है। और इसकी जो पहले महीने की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्लो होती है, बाद में तेज़ी से ग्रोथ पकड़ता है। ये वाला जो है मेरा दूसरी वैरायटी का है, ये बहुत टॉल हो जाता है, लंबा हो जाता है। इसका भी मैं जो था पिछली बार सर्दियों में इसका फूल मैं कहीं से ले आई थी, उसी से मैंने ये सारे सीड्स निकाल करके प्लांट लगाया है। इसको जो है फुल सनलाइट बहुत अच्छी लगती है, आप इसको जो है कम से कम 4-5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में तो ज़रूर रखिएगा। इतने सनलाइट आप नहीं रख पाओगे 4-5 घंटे की, तो ये प्लांट जो है फ्लावरिंग नहीं करेगा, फोलिएज ही इसका रहेगा। तो आपको अगर फ्लावर भी चाहिए इसके तो आप जो है इसको फुल सनलाइट में रखो। चलिए अब हम इसकी प्रॉब्लम आपको बताते हैं। इसकी पत्तियां आप देख रहे हो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अब इस वाले की पत्तियां देखिए, ये कटी कटी से हैं, ये जो है लीफ स्पॉट है। इसकी पत्तियां जो है इस तरीके की भूरी हो जाती हैं और कुछ दिन बाद उसमें इस तरीके के छेद हो जाते हैं। इसका जो मेन कारण होता है, जब हम लोग अपना इसका सेलोसिया का प्लांट कई प्लांट्स के गमलों के बीच में छुपा के रख देते हैं तो उसको प्रॉपर सनलाइट भी नहीं मिल पाती है और एयर सर्कुलेशन भी नहीं होता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये ओवर वाटरिंग से इस तरीके से स्टेम रॉट हो जाता है, जड़ें जो हैं, अरे जो स्टेम्प है ये सड़ने लग जाती है। ये प्लांट ख़राब हो रहा था तो मैंने इसको कटिंग से ग्रो कर लिया है अपने दूसरी जगह पर,
यहाँ जगह जगह से मैं उसकी सारी कटिंग निकालती जा रही हूँ। ये सब मैंने ब्रांच खाली कर रही हैं। ये अभी प्लांट ऊपर से ठीक चल रहा है, तो मैंने कहा जितनी भी इसकी कटिंग है वो सब निकाल करके लगा लें। तो ये जो मेन मेरा हुआ है, ये एक तो ग्रो बैग में लगा है, पानी इसका बहुत अच्छे से वो नहीं हुआ, दूसरी मिट्टी में ये दूसरा प्लांट लगा था, इसी में मैंने सीड डाल के ग्रो कर दिया था। और बरसात के बाद ये प्रॉब्लम अक्सर आती है, तो इसको या तो फिर आप मिट्टी के गमले में लगाओ तो सबसे अच्छा होगा, गमला भी लगाओ तो 7 इंच या उससे बड़ा ही गमला लगाइएगा, ठीक रहेगा। तो इसके लिए हवा का सर्कुलेशन और धूप अच्छी और कम पानी बहुत ही ज़रूरी है। साथ में जब फर्टिलाइज़र भी देते रहिए, उस टाइम फर्टिलाइज़र ज़्यादा ज़रूरी है जब इसमें फूल खिलने लगते हैं, तब आप कोशिश करो कि हर 20-25 दिन में इसमें गोबर खाद या गोबर खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप खुद डालिए, बोन मिल भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।